कालिदास पर करके मैं मौन में जाऊंगा। मैं सुबह से उपवास पर हूँ। अपने बिहार में किसानों पर बर्बरता पूर्वक माँ बहनों पर भी लाठियां बरसाई। घर में घुसकर आतंकवादी जैसे लगता था, आतंकवादी घर में घुस गया। रामचरितमानस को पाठन करके और सरकार का विरोध करता रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज पटना के जेपी गोलंबर पे धरने पे बैठे हैं। आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अश्विनी चौबे के साथ साथ बिहार बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है वो इस धरने में शामिल हैं। आपको बता दें कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए आज जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं वो मौन उपवास पे बैठे हैं। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम गांधी मैदान जेपी गोलंबर की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जब हमने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से बात करने की कोशिश की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। अब जेपी को माल्यार्पण करके मैं मौन में जाऊंगा। मैं सुबह से उपवास पर हूं और अब मैं मौन करके और इस आतताई सरकार, बिहार की इस आतंकवादी सरकार जिसने बिहार में किसानों पर बर्बरता पूर्वक माँ बहनों पर भी लाठियां बरसाई, पुलिस के उन तमाम पुलिस के टोपी को शर्मसार कर दिया है। बिहार की 12 करोड़ जनता शर्मसार है। किसानों को मुआवजा मांगने पर उनके घर में घुसकर आतंकवादी जैसे लगता था, आतंकवादी घर में घुस गया है, उस पर प्रहार करते हो, लाठियों से प्रहार करते हो। मुआवजा का मांग करता है किसान तो उसे लाठी देते हो, उचित मुआवजा नहीं। फैक्ट्री को प्रारंभ करने में देर हो रही है, ये चाहते नहीं है कि फैक्ट्री प्रारंभ हो। SWNL जहां 12,000 करोड़ का 1300 मेगावाट का 1360 मेगावाट बिजली, बिहार को 85% बिजली मिलेगा और इन्होंने एग्रीमेंट किया है, उसके बावजूद आज तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। 2013 का मुआवजा दे के लाठियों से पीटा जा रहा है, माँ बहनों को पीटा जा रहा है। उसके खिलाफ लगातार हमने संघर्ष किया है और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई है। मैंने अम्बेडकर जी के मूर्ति के सामने उनसे शक्ति ले करके और मैंने वहाँ मौन उपवास 24 घंटे का किया था और हमने तय किया है जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी आपने दरभंगा एम्स को बंद करने का साजिश किया है कि दरभंगा में नरेंद्र मोदी नहीं आ पाए, अगले महीने दो महीने में शिलान्यास होने की बात थी। वो चाहते हैं कि कैंस को घबराए हुए, वो घबरा गए, उनको पता नहीं कि वो कहीं नहीं रहेंगे, उनका आता पता नहीं रहेगा। और पूरी तरह से 2024 में भी भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा, जनता के आशीर्वाद से बनने जा रहा। आज भारत का गौरव है G20 के अध्यक्ष बनने का, लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म से डूबना चाहिए शर्म में। ये पूरी तरह से जिस प्रकार से बिहार को फिर से जंगल राज 2 में इन्होंने ला देने का प्रयास किया है। हमने तय किया है हम बिहार को जंगल राज में नहीं, जंगल राज नहीं होने देंगे। ट्रेन को भी रोका गया, कल ये गए थे यात्रा पर बक्सर के अंदर, ये फिर मांग रहे हैं, क्या कहेंगे सर ये? एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की बात। भाई देखो, ये जो योजना है, जो भारत सरकार ने पैसा दिया है, वो तो ये खर्च नहीं कर पा रहे और ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे। जो पैसे, जो योजनाएं केंद्र सरकार की है, जहां आज किसानों को खाद भेज रहे और उसका ब्लैक में इनके ऑफिसर और ये लोग ब्लैक कर रहे हैं, ये तमाम नेता ऑफिसर, ये महागठबंधन के, ये बिहार की सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, आज किसानों को खेत में न तो बीज है न तो खाद है, भारत सरकार पर्याप्त खाद और बीज दे रही है, उसके बावजूद भी आज ब्लैक कर रहे हो, आज ब्लैक पर कंट्रोल नहीं कर रहे हो और उसको पूरी तरह लुटवा रहे हो, ये कैसा न्याय? और किसानों को लाठी दे रहे हो, किसानों को लाठी से पीट रहे हो और अत्याचार अपराध बिहार में, गुंडागर्दी, गुंडा एक तरफ, क्रिमिनल जो सड़कों पर माँ बहनों को चलती हुई उनको काटा जाता है, हाथ उनके अस्तन काटे जाते हैं। बिहार के अंदर ही माँ बहनों को जिस प्रकार से घर में घुसकर बिटिया को उसको उसका सील हरण करने का प्रयास होता है और बाद में माँ के विरोध करने पर
माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आए दिन लगातार बिहार में हत्या अपराध बढ़ रहे हैं। सासाराम में दो दिन पहले दो बेटी को उठाया गया, एक को जान से मार दिया गया। ये क्या हो रहा है ये बिहार में? और इसलिए मैं मौन रह करके हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। अहिंसा की तलवार सबसे बड़ी धारदार होती है। मैं गांधी, जयप्रकाश जी और लोहिया को कहने वाले, ये लोहिया को भी भूल गए। रामायण रामचरितमानस लोहिया जी जिन्होंने रामायण मेला लगाया था, आज इनके ही अनुयायी इनके मंत्रिमंडल में, आज तक उन्होंने उनका बर्खास्त नहीं किया और रामचरितमानस का अपमान किया। मैं सब जगह रामचरितमानस को पाठन करके और इस सरकार का विरोध करता रहूंगा और जब तक ये जुल्मी सरकार बिहार से मुक्त करने का, बिहार से छुटकारा पाने का, इस जुल्मी सरकार को छुटकारा दे करके ही मैं चैन रहूंगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज मौन उपवास पर जेपी गोलंबर पे बैठे हुए हैं और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे महागठबंधन की सरकार पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पे इनका कहना है कि किसानों को उचित मुआवजा तो बिहार सरकार को देना ही होगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।